गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका विपिन सिन्हा श्रेष्ठ इंग्लिश क्लास में। मेरा एक थॉट है जिससे मैं यहाँ तक आया, जिसका नाम है मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। किसी चीज़ को अगर आप मानते हैं तो आपके अंदर यह बात होती है, पता नहीं इसमें रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और आप जब होगा या नहीं होगा में जाते हैं आपकी हार हो जाती है। लेकिन अगर यह ठान लेते हैं रिजल्ट चाहे जो भी हो, अब हमें इसमें जब मैं लग गया तो आगे करके ही जाऊंगा, और खूब मेहनत अगर करते हैं ऊपर वाला भी साथ देता है। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। एक लड़के के गांव में 7 साल का लड़का है, और उसके गांव में बड़े लोग परेशान हैं क्योंकि वहाँ पानी बरस नहीं रहा है। और वहाँ पर उस पुरोहित से पूछा गया क्या करें, उन्होंने कहा यज्ञ करना होगा, और वह यज्ञ में सारे गांव के सारे लोगों को देना पड़ेगा आहुति। सभी बड़े खुश थे और खुशी पूर्वक सब ने आहुति डाला, लेकिन पानी पड़ा नहीं। तो पुरोहित से मुखिया ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा कि आपके गांव का कोई एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जिसने इसमें आहुति नहीं दिया है। थोड़ी देर में पता करने पर पता चला कि 1-7 साल का लड़का अभी तक नहीं आया है, और वह उसको खोजा गया। खोजने के बाद जब वह आया तो अपने हाथ में थाली लेकर आया, और एक हाथ में वह छतरी लेकर आया। मुखिया ने बड़ा डांटा और बोला तुम्हारे कारण बारिश नहीं हो रही थी। उसने कहा कि मैं छतरी लेने के लिए गया था, क्योंकि मैं अगर आहुति डालूंगा या सभी लोग डालेंगे तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी मेरी माँ भीग जाएगी। और वह लड़का आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उसने अपने योगदान अपने हिस्सा उस आहुति में उस हवन कुंड में डाला, उसी समय बादल पूरा रंग में आया और पानी बरसना शुरू हुआ। सभी ने बड़े तालियों से उसका स्वागत किया, लेकिन मुखिया उससे बड़ा डांटने लगा तुम्हारे कारण बड़ी देर हो गई। तो पुरोहित जी सामने, और उन्होंने कहा कि आप इसे डांटने के बदले पुरस्कृत करें, क्योंकि एक यही लड़का है जिसे यह विश्वास है कि मेरे आहुति देने से और हमारे गांव वाले के आहुति देने से बारिश जरूर होगी, और इसीलिए यह लड़का छतरी लेकर आया है। जबकि आप लोग सभी जब आप आहुति दे रहे होंगे तो मन में यह विचार आया होगा पता नहीं शायद बारिश हो या ना हो, इसीलिए उसमें विश्वास के कारण वह बारिश लेकर आया, उसे पुरस्कृत करना चाहिए। और हमारे यहाँ आप इंग्लिश पढ़ने आए हो, विपिन सिन्हा श्रेष्ठ इंग्लिश, यह एक ऐसी संस्थान है जहाँ मैं केवल पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि बड़े सारे कहानियों के द्वारा आपको मोटिवेट करता हूँ। बड़े सारे ऐसे लोगों का कहानी मैं बताऊंगा जो बड़े नीचे से ऊपर आए हैं, उनमें एक ही चीज बस खास था, मन में विश्वास और हमारे इस क्लास के प्रति विश्वास। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के पीछे कारण है आपका रिजल्ट। रिजल्ट तभी हो सकता है जब आप खुद को उसके अनुरूप ढालेंगे। जैसे नौकरी वैसी तैयारी, अगर आप बड़े की सोचते हो तो बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और आपके पास क्या है जो खो सकते हैं, आपके पास आप पैसा देते हो वह कोई पैसा आपका नहीं है, आपके पास है टाइम। अगर उस टाइम का आप सदुपयोग कर लिए, उस टाइम के अंदर आप अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लिए तो आप जरूर जीतते हो। सबसे बड़ी बात है आपका समय, आप अपने समय का यूटिलाइज करो। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आप सभी चीज को चलाओ, लेकिन मेरा एक कथन याद रखो, अगर घर में पढ़ना है, अगर यहाँ पढ़ना है क्लास में, उस दौरान वह 1 घंटा आप अपने उस मोबाइल के व्हाट्सएप और उसके फेसबुक से दूर रहो। आप फोन आने भर केवल उसको छोड़ो, आप अपने इंटरनेट को उसमें बंद कर दो, और तब देखो आप मजा। 1 घंटा आप पढ़ें बैठें, चाहे उल्टा किताब लेकर ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन आप उसको बैठें और 1 घंटा की बैठकी अगर आप लगाते हैं तो शायद आप सफल हो जाएंगे। अब हमारे क्लास का ये क्लास आप लोग को बैंक पीओ से लेकर एसएससी के एलडीसी यूडीसी सीजीएल ग्रुप सी ग्रुप डी
एमटीएस सभी की तैयारी करवाता है। और मैं मानता हूं कि आपके क्वेश्चन बनाने के तरीके पर पीओ और एमटीएस और एलडीसी डिपेंड करता है। अगर हम एसएससी में जाएंगे तो 2 लाइन का क्वेश्चन आता है, अगर हम बैंक पीओ में जाएंगे 4 लाइन 5 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर तो सेम है। तो हमें बनाने, हमें केवल ये नहीं कि कॉपी में भरवा देना है, हमें, हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, अगर मैं नाउन पढ़ा रहा हूं, तो आप कभी भी यह मानकर चले उस नाउन का क्वेश्चन आपसे किसी भी किताब का आपसे बन जाए, और वह जब बनने लगेगा तो आपको भरोसा आएगा। और मेरे यहां पढ़ाने का तरीका यह है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ये पूरे 5 दिन आपको ग्रामर के साथ साथ आप सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम एंड फ्रेज इन पर भी आपका क्लास होगा। और साथ ही साथ जो हमारा थर्सडे और फ्राइडे है वो 2 दिन मैं पैसेज भी करवाता हूँ। मेरा मानना है कि अगर लाइन के अर्थ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश कैसे आप बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि अगर शब्द का उच्चारण आपको नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में कहाँ से आगे अच्छे कर पाएंगे। उसके लिए मैं नीचे बैठकर आपके लिए समय देता हूँ। हर क्लास के बाद मैं 15 से 20 मिनट 25 मिनट नीचे बैठता हूँ, जिसे भी जो दिक्कत है आप लोग आते हैं पूछते हैं, और अगर उच्चारण नहीं आता है मैं उच्चारण उसको लिखता हूँ। अगर मैं एक वर्ड कहता हूँ CATLE, अगर आप उसको काटल कहेंगे तो शायद उसका अर्थ ही नहीं आप जान पाएंगे, लेकिन अगर कैटल कहेंगे उसी में उसका अर्थ भी समाहित है। आप लोग के हित के लिए, आपके वेलफेयर के लिए मैं यूट्यूब पर भी आ रहा हूँ, बस खुश होइए, मैं आ रहा हूँ आपके इंग्लिश के जो आपका प्रभाव आपका नहीं बन पाता मैं बनाने आ रहा हूं। इंग्लिश इजी सब्जेक्ट, एक इंग्लिश अगर बोल लो 1000 लोगों के बीच में आप स्मार्ट बन जाते हो। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके पास नाउन प्रोनाउन टाइम एंड टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब इन्फिनिटिव जीरन पार्टिसिपल नरेशन वॉइस सभी चीज पर मैं पूरी व्याख्या के साथ क्लास में जैसे मैं पढ़ाता हूं वह मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। तैयार हो जाएं, विपिन सिन्हा यूट्यूब पर आ गए हैं आप। विपिन सिन्हा द श्रेष्ठ इंग्लिश के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप मेरे यहाँ पढ़े हैं तो आपको और मजा आएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे इंग्लिश कैसे आसान है ये आप आराम से जान पाएंगे। अभी अभी और अभी सब्सक्राइब करें, और आप बस यूट्यूब के माध्यम से मुझे देखें समझें, आप उनके क्वेश्चंस को बनाएं, और देखिए आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से और आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।